हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक स्पेस में हमने कंटिन्यूस फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब कोई दो मैट्रिक स्पेस दे रखी है, एक्स एंड वाई। तो कोई भी फंक्शन एक्स टू वाई इज कॉल्ड कंटिन्यूस इफ, दो तीन डेफिनेशन अब तक हम पढ़ चुके हैं। क्या? एक तो सिंपल, जो इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट सीक्वेंशियल डेफिनेशन, क्या कोई फंक्शन एक्स नॉट पे कंटिन्यूस कहलाएगा यदि एक्स नॉट पे कन्वर्ज करने वाली हर एक सीक्वेंस के करस्पोंडिंग जो हमारे फंक्शन की जो सीक्वेंस है एफ ऑफ एक्स एन, दिस इज कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स नॉट, देन एफ इज कंटिन्यूस। और तीसरी जो डेफिनेशन है वो बेसिक डेफिनेशन यानी कि एप्सिलॉन डेफिनेशन। क्या? Given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that d of x minus x naught is less than delta, then f of यानी कि d of f of x comma f of x naught is less than epsilon, then हम बोलेंगे कि हमारा function continuous है। तो आज जो theorem है वो closed set पे है। क्या? कि f two metric space दे रखी है, लेट एक्स एंड वाई आर टू मैट्रिक स्पेसेस, देन द फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन क्लोज सेट इज क्लोज, इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट इन वाई इज क्लोज्ड इन एक्स। तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। ये सिमिलर टाइप की, कैसी? जो ओपन वाली थ्योरम है उसी टाइप की। इसका प्रूफ देखते हैं, उसी की हेल्प से होगा इसका प्रूफ भी। तो सबसे पहले हम एक पार्ट मान के चलते हैं कि हम मान रहे हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। लेट एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस फंक्शन, हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। हमें प्रूव क्या करना है कि इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट इन वाई इज क्लोज इन एक्स। तो हम कोई भी क्लोज सेट उठाएंगे, कहां से? वाई में से। उसकी इनवर्स इमेज देखेंगे कि वो भी क्लोज होनी चाहिए, किस में? एक्स में। तब हम हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, हम एक क्लोज सेट ले रहे हैं, लेट एफ इज इन वाई इज क्लोज सेट, आई ना बात समझ में? वाई का कोई सेट है एफ, वो क्या है? क्लोज लिया हमने। देन एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन वाई। ये तो बेसिक बात है कि अगर एफ क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन होना पड़ेगा, तभी तो वो क्या है? क्लोज है। ये हम चीज पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब इसकी इनवर्स इमेज लेंगे, देन एफ इनवर्स एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन एक्स। तो अब ये मुझे बताओ, ये लाइन मैंने क्यों लिख दी? देखो, एफ सी क्या ओपन है और एफ हमारा कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी क्या बोलती है? इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अपने पास ओपन है ना, तो उसकी इनवर्स इमेज लेंगे। ओपन सेट की इनवर्स इमेज क्या होगी? ओपन इन एक्स। ये क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी। बाय कंटिन्यूटी, आई ना बात समझे? अब देखो, ये फॉर्म, ये जो फॉर्मेशन होती है वो इक्वल होती है किसके? इसका मतलब एफ इनवर्स इमेज ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ओपन
इन x। देखो इससे मैंने ये कैसे लिख दिया, ये होता है कंटिन्यूस फंक्शन में होता है क्या, f इनवर्स f ऑफ c, सॉरी f इनवर्स f ऑफ c इज इक्वल टू f इनवर्स इसका कॉम्प्लीमेंट, पूरे का बाहर से कॉम्प्लीमेंट ले लो या फिर कॉम्प्लीमेंट की इनवर्स इमेज ले लो, दोनों बात सेम होती है। कब होता है, कंटिन्यूटी में होता है, कंटिन्यूटी जब होल्ड होगी तब ये वाला भी होल्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ, एफ इनवर्स एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो मतलब एफ इनवर्स एफ इज क्लोज्ड इन एक्स, ये तो कॉम्प्लीमेंट वाली डेफिनेशन लगा दी ना। तो देखो हम लेके चले थे एफ क्या, क्लोज्ड इन वाई, हमने क्या दिखा दिया, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड इन एक्स, स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट था इफ एंड ओनली इफ कंडीशन वाला अदर पार्ट वो हमारा प्रू हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चीज करेंगे, क्या हम लेके चलेंगे कि एवरी क्लोज सेट इज क्लोज्ड इन, नहीं, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इन वाई इज क्लोज्ड इन एक्स, और हमें प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। नाउ सपोज दैट इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इज क्लोज्ड इन वाई, ये हम मान के चल रहे हैं ठीक है, और एक क्लोज सेट लेते हैं, लेट एफ इज इन वाई इज क्लोज्ड, या फिर एक ओपन सेट लो, सॉरी लेट जी बी ओपन सेट इन वाई। अगर हम दिखा दें कि इनवर्स इमेज ऑफ जी, यानी कि इसकी इनवर्स इमेज ओपन है एक्स में, तो हमारा काम बन जाएगा, कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन होल्ड हो जाएगी। तो हम ये जी ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देन जी कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड इन वाई, ये बात तो समझ में आ गई ना। इसकी इनवर्स समझ लो क्या, एफ इनवर्स जी कॉम्प्लीमेंट दिस इज क्या होगी, क्लोज्ड इन एक्स, क्योंकि हमें गिवन है कि इनवर्स इमेज ऑफ इज क्लोज सेट इन वाई इज क्लोज्ड इन एक्स, तो हमने ये वाला स्टेटमेंट यूज कर लिया यहाँ पे। अब ये क्या होता है, अभी मैंने बताया क्या, एफ इनवर्स जी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एफ इनवर्स जी का कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो वो यूज करो, तो इसका मतलब एफ इनवर्स जी का जो कॉम्प्लीमेंट है इज क्लोज्ड इन एक्स, इसका मतलब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है तो ये खुद क्या होगा, ओपन होगा, इसका मतलब एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स। तो हम लेके चले थे क्या, वाई का एक ओपन सेट लेके चले थे और उसकी इनवर्स इमेज एक्स में ओपन दिखा दी, हमारा काम बन चुका है, यानी कि हमारी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूस ऑन एक्स, एक्स के ऊपर वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आज के लिए ये थ्योरम, नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे।